बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। डिटरमिन वेदर वेदर फर्स्ट पार्ट है -19, सेकंड टू आर द टर्म्स ऑफ terms of the AP AP given hai 17 13 9 up to so on or not। आपको बताना है ये दो टर्म्स आपको गिवन है, पहले है -19 और दूसरी टर्म 2 गिवन है। आपको जस्ट ये बताना है कि ये -19 इस एपी 17, 13 और 9 की टर्म है कि नहीं है। फिर आपने 2 के बारे में भी बताना है कि ये भी इसकी टर्म है कि नहीं है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे बताएंगे हमारा क्या जो है यहाँ पर प्रोसीजर होगा इसको कैलकुलेट करने का। देखें, आपको जो है वो n बता रहा होता है नंबर ऑफ पोजीशंस है, तो हम क्या करेंगे -19 के लिए नंबर ऑफ पोजीशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसकी पोजीशन आपके पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर आती है, तो हम कहेंगे कि ये इस एपी की टर्म है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपके पास n की वैल्यू आती है, नेगेटिव में आती है या फ्रैक्शन में आती है, तो आपको मालूम है कि वो मीनिंगलेस होता है। पोजीशन कभी नेगेटिव में नहीं हुआ करती और ना ही फ्रैक्शन में हुआ करती है। -1 पोजीशन से क्या मुराद है, कोई भी जो है वो उसका मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। या आप कह दें कि 1/2 पोजीशन, तो 1/2 पोजीशन भी कोई मीनिंग नहीं रखती। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने -19 और 2 के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन की टर्म आपके पास -19 होगी या 2 होगी। लेकिन अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई और टर्म आता है फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में, नेगेटिव में, तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही सीक्वेंस में, इसलिए आपके पास जो है ये टर्म इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है। तो हमने बेसिकली n को फाइंड आउट करना है यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के लिए। तो हम पहले -19 को फाइंड आउट करते हैं। ना -19 के लिए आपको जो गिवन जो एपी है उसमें A1 आपके पास इक्वल है 17 के पहली टर्म, और D हम फाइंड आउट कर सकते हैं 13 - 17 इक्वल होगा -4 के, और An हम चूज कर लेते हैं -19 के, और हम यूज करेंगे फॉर्मूला यूजिंग An is equal to A1 plus N-1 into D। वैल्यूज लगाएं, An की वैल्यू -19, A1 हमारे पास 17 और प्लस N हमने कैलकुलेट करना है, और D की वैल्यू आपके पास -4। तो -19 is equal to 17 और प्लस आपके पास जो है ये, जब हम -4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4n हो जाएगा आपके पास, और -4 - 1 + 4। तो -19 इज इक्वल टू 21 - 4n। अब हम 21 को जो है वो ले आते हैं इस साइड पे,
हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो -19 और -21 इज इक्वल टू -4n। तो -19 और -21 -40 इज इक्वल टू -4n। तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर देते हैं और 4 को भी शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास n इज इक्वल टू 10 पोजीशन, 10वीं पोजीशन जो है वो मौजूद है। तो आपके पास हम फिर क्या लिख सकते हैं कि ए 10 आपके पास जो है वो -19 है। तो हम कह सकते हैं कि -19 इज द टर्म ऑफ गिवन ए पी। टर्म ऑफ गिवन एपी, ये गिवन एपी की टर्म है हमारे पास। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें भी हमने यही बताना है कि ये एपी की टर्म है या नहीं है। तो आपको क्या गिवन है उसमें, आपने 2 के हवाले से बताना है। तो बिल्कुल हम 2 को अब देखते हैं कि ये इस एपी में मौजूद है कि नहीं है। तो आपको A1 जो है वो यहाँ पर गिवन है इस एपी में, वो 17 है। और D आपके पास 13 -17 -4 है। और An जो है वो हम कंसीडर करेंगे 2 को, और फिर यूज करते हैं फॉर्मूला यूजिंग An इज इक्वल टू A1 + N-1 इंटू D इज इक्वल टू, वैल्यूज लगाएं इसमें An की, A1 की और D की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। An की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, और A1 की वैल्यू 17, और प्लस N-1 इंटू D हमारे पास -4। तो 2 इज इक्वल टू 17 -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4n और +4। तो 2 इज इक्वल टू 17 और +4, ये आपके पास 21 -4n। तो ये बन जाएगा 2 - 21 इज इक्वल टू -4n। अब हम इसको जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 - 21 हमारे पास आ जाएगा -19 इज इक्वल टू -4n। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और हम 4 को डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने के बाद, तो बनेगा 19 डिवाइडेड बाय 4। और n, n की वैल्यू ये आई है। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसलिए आपके पास जो है वो n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि आपको मालूम है कि 19/4 पोजीशन कोई मीनिंग नहीं रखती है। सो एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास क्या हुआ फिर, सो 2 इज नॉट द टर्म ऑफ ए पी। तो अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर n को फाइंड आउट करने के हवाले से हमने 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े हैं। एक तो हमने ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि आपने जो है वो n को फाइंड आउट करना है। अगर आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि कितनी टर्म्स हैं, तो आपके पास हाउ मैनी टर्म्स के लिए आपने क्या करना है, n को फाइंड आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि विच टर्म, के कौन सी टर्म है आपके पास ये एपी की,
तो विच टर्म वाले क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू। फिर अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास ये टर्म जो है वो एपी में मौजूद है कि नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी हमने क्या करना है, हमने जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने अगर प्रेजेंस ऑफ टर्म इन एपी देखनी है कि आपके पास टर्म एपी में मौजूद है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ टर्म इन एपी, तो इन क्वेश्चंस में भी हमने एन की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मेनली मौजूद हैं, जिसमें हम क्या करते होते हैं, हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और ये तीन जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं ये भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इनको माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।